मामे, मामे, इन भैंसों की नानी मर जाए, इन भैंसों ने मेरा इधर उधर सींग मार मार के मेरे शरीर में घुमड़े बना दिए। अरे शरीर क्या, तेरी तो पूरी जिंदगी में घुमड़े पड़ गए हैं। मामे घर से गया, गाँव से गया, अब नौकरी से भी गया। अगर ऐसे ही बुरा टाइम चलता रहा ना तेरा, तो मन ने भी कुछ सोचना पड़ेगा। बस मामे तेरी सोच से तो मैं बर्बाद हुआ हूँ, तू अब मत सोच, मत सोच तू। और मामे मेरे जख्मों को गोदाम समझकर उसमें क्यों नमक भर रहा। क्या बात है बेटे, आते आते तुम लोगों की बातें सुनी, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं जी, वो कलेजे पे टेंट साइज के छाले पड़ गए हैं ना, वो फूट रहे हैं। अरे किस बात के छाले फूट रहे हैं, राजा जी की नौकरी चली गई इसलिए? देखो बेटे डरने की कोई बात नहीं है, पायल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं सेठ धनपत राय से बात करके सीधा नौकरी पे लगा दूंगा तुम्हें। मामे सेठ धनपत राय नाम सुना सुना नहीं लग रहा। अरे हमारे सेठ जी, मैं उनका मामूली माली हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी कोई शक बनता है उन पर। लेकिन एक बात है बेटे, हमारे सेठ जी कोई भी काम दे, कैसा भी काम दे, उन्हें इनकार मत करना। क्योंकि सेठ जी आदमी की वफादारी और ईमानदारी का इम्तिहान लेते हैं, और अगर आदमी उन्हें पसंद आ जाए तो सीधा नौकर से जनरल मैनेजर तक बना देते हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आज ही मिलाता हूँ सेठ जी से, ठीक है? अरे मामे मामे, मैं जिस आदमी का दामाद बनना चाहता था उसकी नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। पागल हो गया क्या, नौकरी नहीं करेगा तो मेरे सोने का दांत वापस कैसे आएगा? मामे तू कितना दांत दांत कर रहा, अभी तूने दांत की बात की तो मैं तेरा दूसरा दांत भी तोड़ डालूंगा। कल रात से दांत दांत सुन के मेरे दिमाग की दही होगी। मेरे सारे दांत तोड़ दे, पर तने नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मामे जब तेरे को मारूं मैं हराम खोर हूं, मुझसे नौकरी क्यों करवा रहा है? भाड़ जी मामे, भाड़ जी मामे, भाड़ जी। अच्छा करता वो है हमारे सेठ जी, चलिए बैंक के ये चेक हमने भेज दिया है। सेठ जी ये मेरा दामाद है। उस दिन ये शादी में तो बहुत दुबला था, ये अचानक इतना मोटा कैसे हो गया? नहीं 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 सेठ जी, मैं तो राजा का मामा हूँ, इनका दामाद तो मेरे पीछे खड़ा है। आजा भाणजी। मामे सामने से हटेगा तो आऊंगा ना, वजन भारी है, टाइम लगेगा, जल्दी करना। अच्छा ले फिर। नमस्ते जी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं सेठ जी, मेरी याददाश्त बहुत तगड़ी है, आपने मुझे कहीं नहीं देखा। तुम जाओ। ओके सर। नहीं नहीं, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। सेठ जी आपने उसे शादी में देखा होगा। अरे शादी में तो ये शेर में था, मैंने इसकी शक्ल देखी नहीं, मैंने कहीं और इसे देखा है। सेठ जी छोटे मोटे लोगों को आपने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके पास इसलिए आया था कि आजकल हमारे दामाद बेकार है, बस छोटी मोटी नौकरी पे लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी, सेठ जी, वो किसी का भाई है ना, बीमार हो गया है, इसलिए काम छोड़कर नेपाल चला गया है। बस सेठ जी उसी की जगह पर लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो करता क्या था? झाड़ू पोछा। मुझे वो तीनों ड्राफ्ट रेडी चाहिए जी, और वो जो 4 बजे की मीटिंग है उसके लिए सबको बोल दिया है ना जी। द मीटिंग हैज टू हैपन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है, नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं देखा है सेठ जी, मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, आपने मुझे देखा होता तो मैं आपको बोल देता। नहीं देखा है सेठ जी, नहीं देखा। देखा बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए कौन आए, आपके समझिए समझन आए। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अरे आप इस गरीब के घर पधारे, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर पायल से कह कि उसके सास और ससुर जाएं, जवाब जल्दी। जी साहब। जी एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। बुरा मत मानिएगा, ये आप ही राजा के ससुर हैं? जी हाँ। आपको कोई शक हो रहा है? तो फिर आप ये घास क्यों काट रहे थे? वो तो मेरा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम? लीजिए समझ जी, आपकी बहू भी आ गई, आइए आइए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे नमस्ते बाबू जी। जीते रहे बेटी, जीते रहे। अरे बेटा तू तो काला टीका लगाया कर, कहीं तुझे किसी की नजर न लगे। देखिए जी, आप तो हमेशा मेरे बेटे को निकम्मा नालायक कहते थे, लेकिन उसने एक ही काम जिंदगी में ऐसा किया है जिससे उसके सारे ऐब धुल गए। हमारे लिए चांद सी बहू जो ले आया है वो। बेटी मुझे अपना ससुर नहीं अपना बाप समझना, और मुझसे वही लाड मांगना जो बेटी अपने बाप से मांगती है। बेटी मैं थोड़ा सनकी हूँ,
कभी को गड़बड़ करो तो संभाल लिया करना। हाजी इससे सिर्फ आप बातें ही करते रहेंगे या जो तोहफा लेकर आए हैं वो भी देंगे? अरे ऐसी बहू मिली है कि जी करता है पहले दिन ही दिल की किताब इसके सामने खोल के रख दूंगा। ले बेटी ले। अजी भाई साहब हमारा बेटा कहाँ है? अंदर है ना भाई जी, आइए। राजा? हाँ? जीजा जी। भाभूजी कैसे आ गए? माँ। राजा जी मेरा चांद। जीजा भाभूजी कैसे हो भैया? जीजा जी तू वहां से तो बड़ी बड़ाई मार कर आया था कि मैं करोड़पति की बेटी से शादी करूंगा, यहाँ के झाड़ू मार रहा है? हाँ? ये पूछा मार रहा है बाबूजी, मैं तो आप ही के कहने पर अमल कर रहा हूँ ना। मेरे कहने पर? मैंने तुझसे कहा था झाड़ू मारने के लिए। हाँ तो आपने तो कहा था कि अपने घर का काम खुद करना चाहिए, और आप मेरे ससुर जी को देखिए ना कितने बड़े आदमी, मगर बाहर देखिए कैसे घास काट रहे हैं। जीजा जी अब आयो तो दो चार घंटे तो इधर रहोगे ना? दो चार घंटे क्यों, हम हफ्ता रुक के जाएंगे पूरा। जी जी ऐसा करते हैं हम ना आपके रहने का इंतजाम पीछे गेस्ट हाउस में कर देते हैं। इतना अच्छा घर छोड़ के मैं गेस्ट हाउस में रहूंगी? ओ जीजी आप रह नहीं सकती हो ना यहाँ पर है ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। काहे का कंट्रोल? वो ना वो शहर में ना कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो उनको मारने के लिए ना दवा छिड़कनी पड़ती है, दो तीन दिन के लिए घर बंद रखना पड़ता है और लोगों को है ना गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, तो हमें ना सारे वहीं पे एक साथ इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सब इकट्ठा रहेंगे वहीं। अरे फिक्र मत कर बेटा, हम लोग तुझसे थोड़ी मिलने आए थे, हम तो बहू से मिलने आए थे, उसको आशीर्वाद देने आए थे, उसे मिल लिए आशीर्वाद दे दिया, हमारा काम हो गया, अब यारों की क्या करेंगे, शाम वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, अभी तक आपने हमें सेवा का मौका भी नहीं दिया और आप जाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या है, ये अपने बेटे से मिलने की जिद कर रही थी, वरना फुर्सत है ही नहीं, फसल पक के तैयार खड़ी, एक दिन भी देर की तो सारी फसल खराब हो जाएगी, और फिर अपने घर की बात है फिर आ जाएंगे। ये भी ठीक है, तब ऐसा कीजिए दो महीने बाद हमारी बेटी सोनिया की सगाई है, तब आप जरूर आइएगा। जी हाँ। सोनिया कौन है? बाबूजी मेरी साली समझिए ना। तू तो कह रहा था कि पायलिन की इकलौती बेटी थी, फिर उसकी बहन कहाँ से आई? तो मैंने कब कहा कि सगी बहन है, मगर सगों से भी सगी है इसलिए उसकी सगाई है। अच्छा सगा है। अरे डार्लिंग मैं इधर इधर। अरे बाबा हांग कांग खेल लिए ना। अरे थैंक यू यार। वैसा पी चाहिए? पी लो ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे पी लो ना। अरे बाबा बोला ना नहीं चाहिए। अरे पी भी लो यार। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैंने भी आपको कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा? पता नहीं।